बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी दिमाग में है लड़कियों की सीमा सिर्फ उस किचन की बाउंड्री तक ही है। ये हौसला ही है जिसकी बदौलत जोधपुर की बेटियों ने कोटा मुक्केबाजी में कमाल कर दिया। कोटा में करीब 109 लड़कियों ने भाग लिया और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जोधपुर का रहा। बॉक्सर बेटियों की बात सुनकर अचरज होता है, जमाने की नजर से खुद को बचाने का हौसला ही इनकी हिम्मत है। बॉक्सिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियों की हिम्मत शोकेस होती है, लड़कियों को बताया जाता है कितनी स्ट्रांग है वो। पहले मैंने खूब सारे गेम्स किए थे लेकिन मेरे को बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगा। मेरी दीदी ने बताया था कि बॉक्सिंग में जाओ। बॉक्सिंग एक ऐसा सेल्फ डिफेंस है जिससे गर्ल्स को बहुत हेल्प मिलती है। कहने को सरकार बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के जिम्मे और जवाबदेही तय करती है, लेकिन खुद सरकार के बूते सब कुछ चौपट है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इनको और संसाधन उपलब्ध कराए। सरकार इनको अभी TADA नहीं दे रही है, जबकि जीतने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो मिल रही है, लेकिन लड़कियों को TADA नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को भी TADA मिले जिससे इनका प्रोत्साहन बना रहे। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा पिछले विगत कई वर्षों से राजस्थान की महिला मुक्केबाजों को सरकार के द्वारा TADA नहीं दिया जाता है। बिना TADA के अभाव में बच्चियां और बालिकाएं खुद की जेब से पैसा खर्च कर वहां प्रतियोगिता खेलती है। जोधपुर की महिला मुक्केबाजी टीम लगातार तीसरी बार प्रदेश की चैंपियन बनी है। लड़कियों ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए। जोधपुर की महिला मुक्केबाजों ने लगातार तीसरी बार जोधपुर को राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में चैंपियनशिप दिलाकर खुद को साबित किया है कि मुक्केबाजी में जोधपुर की जो बालिकाएं हैं, जोधपुर की गर्ल्स जो बॉक्सर, उनका कोई राजस्थान में सानी नहीं है। हमारे देश में जिन चैंपियन को देखते हैं वे सब अपने जुनून के दम पर है। रही बात सरकार की, तो मुक्केबाजी जैसे खेलों में सरकार की निगाह जाती ही नहीं। सुनील दत्त, रिपोर्ट NBN।